मीडिया जगत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने दिया इस्तीफा, जनता को बताया नया ठिकाना, ध्रुव राठी ने किया दावा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार का ये इंट्रो अब आपको एनडीटीवी पर नहीं सुनाई देगा क्योंकि रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। सड़कों पर खड़े होकर खबर पढ़ दूंगा कहने वाले रवीश कुमार अब टीवी स्टूडियो में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उन्होंने चैनल से इस्तीफा दे दिया है। खैर, खबर ये है कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय के बाद अब रवीश कुमार का भी इस्तीफा आ गया है। इसे ऐसे समझे कि जिस शख्स की वजह से एनडीटीवी को अलग न्यूज चैनल माना जाता था, अब उसी ने गुड बाय कह दिया है। सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ी खबरें, तस्वीरें और वीडियो छाई है। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने लिखा, रवीश का ये वीडियो मीडिया के इतिहास में दर्ज होगा। यूट्यूब पर रवि कुमार ऑफिशियल, जिस दौर में जज को ही डर लगता हो पत्रकार की क्या बिसात, मगर एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। मेरे रास्ते निश्चित नहीं पर हौसला निश्चित है। एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला ने लिखा, सर आप रवीश कुमार के चैनल से है ना? रोज एनडीटीवी का माइक देखकर लोग ये सवाल पूछते हैं। हाँ कहने के बाद लोगों के चेहरों पर सम्मान देखता हूँ। सर रवीश जी को हमारा सलाम कहिएगा, उनके लिए रोज दुआ करते हैं। अपने जैसे लाखों लोगों की दुआएं और मोहब्बत आप तक पहुँचा रहा हूँ रवीश सर। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, रवीश के इस्तीफे पर जश्न मनाने वालों में एक बात कॉमन है, सबके सब मोदी की सत्ता के पादुका पूजक है। न्यूज रूम के रीढ़ विहीन मोदीवादी पुतले इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे। रवीश के लिए ये शेर, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। चर्चित इतिहासकार इरफान हबीब ने लिखा, रवीश एक ब्रांड है, वो जहां भी जाएगा वहां चमकेगा। ये ब्रांड रातों रात नहीं बनाया गया था, इसमें लोगों की ओर से शक्तिशाली ताकतों से लगातार पूछताछ के माध्यम से ईमानदार संघर्ष और विश्वास निर्माण का इतिहास रहा है। रवीश कुमार जी आप ऐसे ही चमकते रहो। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद ट्वीट किया और लिखा, माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं, आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है, आपका रवीश कुमार। वही इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेबाक और चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी ने लिखा, एक युग का अंत माना जा सकता है कि सरकार भविष्य में किसी भी स्वतंत्र टीवी समाचार चैनलों को लाइसेंस प्रदान नहीं करेगी, तो इसे प्रभावी रूप से भारत में टीवी पत्रकारिता का अंत माना जा सकता है। फिलहाल रवीश कुमार ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, संभव है कि उसी पर अपनी राय रखते हुए या फिर पत्रकारिता का काम करते हुए दिखाई दे। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफा देने को आप कैसे देखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।